देखिए प्रभास की सलार से आज भी काफी सारी अपडेट आ गई है, वो भी उसके एडवांस बुकिंग और साथ में फिल्म से बड़ा चीज लीक होने के बाद हम वाले कंपनी एकदम गुस्सा भी हो गया है। सो इसीलिए सारी बातें जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना आप। जहां तो पहले आपको बता दो, कल प्रभास की सलार से काफी सारी चीजें लीक हो गई थी, जिसमें से एक पिक्चर ये भी है। आप देख सकते हैं इस फोटो में प्रभास का लुक रिवील हुआ है और साथ में फोटो का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। वैसे आपको बता दूं कल सलार से काफी सारे लीक हुए थे, बट यही एक फोटो हाथ में आया है, क्योंकि तुरंत उसके बाद ही हम वाले कंपनी एक्शन में आ गया और सभी जगह से सलार का लीक फुटेज हटा दिया सोशल मीडिया से। और हम वाले कंपनी सोशल मीडिया से हटाने के बाद भी रुका नहीं, वो गेम चेंजर के ऐसा तुरंत साइबर पुलिस के पास भी चला गया और साइबर पुलिस ने भी दो लोगों को अरेस्ट भी कर लिया है सलार लीक करने के मामले में। शायद वो दोनों लोग सलार के ही आदमी हैं जो शूटिंग के वक्त वहां मौजूद थे सलार की टीम के साथ, और वो फोन से कुछ इस प्रकार के अच्छी क्वालिटी में फोटोज वीडियो रिकॉर्ड कर लिए होंगे सलार का। वैसे शूटिंग सेट पर सिर्फ हीरो, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही केवल मोबाइल लेके जा सकते हैं और बाकी वर्कर को प्रोडक्शन वाले फोन ले जाने का परमिशन नहीं देते हैं, लेकिन तब पर भी कुछ चालू लोग फोन लेके चले जाते हैं और उसके बाद शूटिंग से फुटेज और वीडियो लीक कर देते हैं फिल्म का। देखिए राम चरण की गेम चेंजर में दो लोग जेल चले गए हैं और अब सलार के मेकर्स भी दो लोगों को लीक करने के मामले में जेल पहुंचा दिए हैं, और अब जल्द ही कुछ ऐसा ही न्यूज कल्कि की बसंती मूवी हमें सुनाएगा कुछ दिन में, क्योंकि कल्कि से भी ज्यादा लीक फुटेज हमें देखने को मिल रहा है। बट भाई मानना पड़ेगा अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 और NTR की देवरा से आज तक कुछ भी लीक नहीं हुआ है। प्रोडक्शन वाले एकदम सब कुछ काम चुपके चुपके कर रहे हैं और दोनों ही फिल्मों का ज्यादातर पोर्शन का शूटिंग खत्म भी हो चुका है। बाकी पहले प्रभास के सलार पर आ जाते हैं। असल में भाई प्रेथन ग्रीस सिनेमा सलार के एडवांस बुकिंग 20 नवंबर से चालू कर देगा अमेरिका में। एक्चुअली में काफी दिन से सलार का लिमिटेड जगह पर ओपन हुआ था एडवांस बुकिंग, लेकिन वहीं 20 नवंबर से प्रेथन ग्रीस सिनेमा सलार के एडवांस बुकिंग पूरे 1980 लोकेशन पर एक साथ ही चालू कर देंगे। यानी अब प्रभास की सलार का टिकट भी अमेरिका में बड़े स्केल पर सेल होगी। शायद बाकी लैंग्वेज का भी एडवांस बुकिंग 20 नवंबर से चालू हो सलार का अमेरिका में। वैसे भाई लियो के 7 स्टूडियो कंपनी भी एक बड़ा अच्छा काम करने जा रहा है। तो जैसे कि आप जानते हैं लियो का 19 नवंबर को एक महीना कंप्लीट हो जाएगा बॉक्स ऑफिस पर, तो भाई 5 सप्ताह में फिर से 7 स्टूडियो कंपनी लियो को 125 से ज्यादा स्क्रीन पर री रिलीज करने जा रहा है। यानी फिल्म के कलेक्शन में फिर से अगले वीकेंड से कुछ ग्रोथ देखने को मिलेगा हमें बॉक्स ऑफिस पर। वैसे भाई लियो का OTT रिलीज का ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी तक नहीं आया है, पता नहीं वो कब वो लोग भेजेंगे। शायद 19 नवंबर के बाद ही थाला फैटी विजय के लियो OTT पर आए। बाकी भाई इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक आप सभी को अलविदा।